back to my channel everyone. I hope you guys absolutely very happy. Good morning everyone. पीछे देख रहे हो, पीछे दिख रही है भाई, चिड़िया दिख रही है आज यार अपने घर के आगे। मतलब दो दिन से बारिश क्या होने लगी, मस्त मस्त चिड़िया दिख रही है। मतलब मेरे को यहाँ पे सीरियसली मतलब लॉकडाउन के बाद अपने यहाँ पे, मैंने अभी बीच में व्लॉग में बताया था कि अपने यहाँ पे नहीं दिखती थी, बट पिछले तीन दिन से बारिश पड़ रही है और वो छोटी वाली चिड़िया थी ना, वो भी वो सामने बैठी हुई है। 1 2 3 4 5 ओ भाई साहब, मैं बहुत मिस करता था भाई चिड़ियाओं को ना भाई। पूरा शरीर जो दर्द कर रहा है, पूरा शरीर जो दर्द कर रहा है भाई साहब, मैं नहीं समझा सकता। मैं मेरे से ना बेड से उठा नहीं जाता। एक तो मेरा बेड वो वाला है थोड़ा ज़्यादा गद्दों वाला, जिसमें ना थोड़ा गद्दम ज़्यादा है, तो उस पर लेटते ही ऐसा हो गया, मैं अगर सो जाऊँ सो गया, सुबह उठा ही नहीं जा रहा भाई। फिलहाल बज रहा है 12, गुड आफ्टरनून हो रही है, वैसे मैंने गुड मॉर्निंग बता दी भाई। हालत ही नहीं, देखो 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 पीछे कितनी साइज तो नहीं, हाँ कबूतर ही है भाई। हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब देखो पहले दो दिन तो जिम की हालत टाइट थी, थोड़ी बॉडी दर्द कर रही थी, लेकिन कल जो मैंने वो मारी है ना रनिंग, पूरे पैर है ना पैर बहुत ही तेज दर्द करे भाई, मजाक से के उठा नहीं जा रहा था अभी फिलहाल। चलो उठ तो गए हैं। ऐसे दुखी रहकर दुखी पे ज़्यादा व्यू आते हैं लोग बाग ऐसे ही है हमारे। इसको ज़्यादा बहुत चार्ज चढ़ गया ना तेरे को छत पे बैठने का, यहाँ बैठा कर ना, यहाँ बैठ के आराम से बढ़िया व्यू के मज़े लिया कर ऊपर से। हाँ तो ऊपर वो थर्ड फ्लोर भी तो हो जाता है। तो भाई फ़िलहाल मैं इसको लेके जा रहा हूँ लेबर, क्योंकि कल भी गया था मैं, बट कल वो दुकान बंद थी। इतने दिन से जिसके पीछे मतलब लोग बोल रहे हैं, तो भाई वो आज मैं करवाने जा रहा हूँ फाइनली, क्योंकि उसकी मशीन ख़राब हो रखी थी तो मैं जा नहीं पाया था। अब मशीन ठीक हो गई है, पूछा दुकान खुली है, कल ही गया हुआ था दिल्ली भाई। तो मैं अभी मेरे को यंकी बोल रहा हूँ, कह रहा भाई वैसे सही बात भी है, कह रहा भाई तेज है ना, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है और तू कम कर रहा है, इज़ दैट राइट? व्लॉगिंग में, कंटेंट में, किसी में भी, ये सही बात है गाइज। अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना किस चीज़ की कमी लग रही है मेरे को, वो बताओ। यहाँ से कह रही है मेरे पल्लू से छूट के चला जा, मानी मैं तेरे पल्लू से छूट के चला जाऊँ? कह रहे भैया जब से जब से शादी हुई है भाई, आप घर घर के व्लॉग दिखा रहे हो ये वो। पहले मैं बाहर जाता रहता था, दोस्तों से मिलता रहता था। तो मेरी मम्मी की हो रखी है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, एंड फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं हो चुका हूँ रेडी। पता क्या हो रहा है भाई इतने दिनों से, कि जब अप्रिसिएशन मिलता रहता है ना बंदे को, तो आगे से ना उसको मन करता है। मेरे को भी बहुत मन करता था, मैं व्लॉग बहुत पहले से बनाना चाह रहा था, बना भी रहा हूँ, बट वो उस लेवल का अप्रिसिएशन नहीं मिलता। और जैसे डे बाई डे थोड़े थोड़े व्यू डाउन होते हैं ना, तो भाई अंदर से ना मनोबल थोड़ा सा डगमगा सा जाता है। तो भाई वही हो रहा था मेरे साथ भी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप सब एक बार कमेंट करके बताओ भाई आपको क्या चीज़ की कमी लग रही है, क्या चीज़ मैं और बेटर कर सकता हूँ। हमारी जो यूट्यूब की लाइफ है ना, वो यूट्यूब लाइफ है ना, इतनी ज़्यादा दिखावटी हो चुकी है इस टाइम कि भाई मैं बता नहीं सकता उसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा दिखावटी हो चुकी है भाई लाइफ। जय श्री राम भाई, बहुत चीज़ें अंदर दबा के बैठता हूँ मैं, बहुत चीज़ें अंदर सोचता हूँ कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और मैं ऐसा क्या गलत चीज़ कर रहा हूँ। मैंने व्लॉगिंग मतलब मैंने जस्ट लिखा नहीं था वो, मैं सोच चुका था कि मैं ना अपना यूट्यूब को बंद कर रहा हूँ, व्लॉगिंग चैनल को बंद कर रहा हूँ, मैं मेन चैनल पे फोकस करता हूँ। बट मेरे पास इतने सारे कमेंट आए, मेरे पास खुद DM आए, मेरे पास घर पे आ गए भाई बंदे, अभी भी ऊपर बैठे हुए हैं कि भाई हनी ये नहीं करेगा तू गिव अप, तू हार नहीं मानेगा, तू वन मैन आर्मी है ऐसे ऐसे बात बोली भाई मेरे को। मैं सीरियसली मतलब मैं हो गया था, मैंने कहा नहीं यार जिस चीज़ में नहीं हो पा रहा जो चीज़ शायद तुमसे, तो भाई उस चीज़ के ऊपर ना ज़्यादा दबाव नहीं डालते। बट क्योंकि भाई मेरे को सब ने बोला, मेरे दोस्त ने बोला, मानी ने बोला, बहुत समझाया कि भाई ऐसे मत कर, ये चीज़ मत कर, तू पहले ही बहुत अच्छा करता था और अब भी कर सकता है, तो प्लीज़ ट्राई करके तू किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो मैं उस तरीके
पे जा रहा हूँ कि भाई किसी तरीके से मैं सही हो जाऊँ। मेनली मतलब मेन होता है ना, जब आपके व्यूज जाते हैं ना, ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, वो पड़ता है आपके दिमाग पे। यार ये कैसे नहीं हो रहा, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो अच्छी कर रहा था। इससे पहले आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हुई होती है, मतलब जैसे मैं, मेरा ही ले लो एग्जाम्पल भाई, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे व्यूज़ भी दिए हैं, बहुत अच्छे लेवल पे मैंने कंटेंट दिया हुआ है। बट ऐसा अब क्या हो रहा है जिसकी वजह से मैं मुझे इतना सोचना पड़ रहा है, बट ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मुझे अब इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, तो उस चीज़ पे मेरे को काम करना है। बट इफ़ अगर आपको चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की शोशेबाजी, तो मैं शोशेबाजी दिखा सकता हूँ भाई, मैं हर तरीके से दिखा सकता हूँ, पहले भी दिखाई है और सबके साथ में मैं खड़ा था उस टाइम, बट आज के टाइम में मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा। या दैट इज़ फैक्ट, आई नो दैट इज़ फैक्ट, और ये बहुतों को बुरी लगेगी चीज़ है, बट बोल रहा हूँ मैं यार सीधे, मैं सबके हारे बुरे में सबके साथ में खड़ा हुआ था मैं। बट वही होता है यार, जब किसी को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मिल जाता है तो उस चीज़ की कदर थोड़ी कम हो जाती है, तो भाई मुझे लगता है मेरी कदर थोड़ी कम हो गई है। मैंने औरों पे ज़्यादा ध्यान दिया, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मैं अपने ऊपर अब ध्यान देने लगा हूँ, तो भाई हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर मैं वापस ज़रूर आऊँगा उस पोजिशन पर, आऊँगा जिस पोजिशन का मैं हकदार हूँ। तो अभी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप सबका, एक बार थोड़ा सपोर्ट करो, बाकी मैं देख लूँगा। मैं किसी के ऊपर ऐसे है ना हाथ नहीं लगा रहा कि भाई ये मैंने किया, और ना मैं बताना चाहता, वो मेरी अच्छाई थी, मैंने सबका साथ दिया, बट आज के टाइम में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है सिवाय मेरे फैमिली के, और इसी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली दिखाता हूँ, ना ज़्यादा इधर से इधर दिखाता कुछ ना इधर। ये फर्स्ट एंड लास्ट बार मैंने बोला है, आज के बाद मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, व्यूअरशिप नीचे जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस उठाने की कोशिश करूँगा। एक मौका तो मिलेगा मेरे को, एक मौका मिलेगा तोड़ने की कोशिश करूँगा। कलर कैसा होएगा? कलर व्हाइट भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, दो भी लाना। भाई हम पहुँच चुके हैं यहाँ, मुझे चले भी नहीं। ये भाई वो मशीन देखो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, धोनी का फुल गाने का प्रमोशन चल रही है यहाँ पर। छः 3। ओए तेरे को भी सेम ही चाहिए, गाड़ी जैसे बड़ी साइज में, महंगी मेरी है, महंगी मेरी है। कितना सारा लग रहा है ना, नीचे भी लगा रखा है ना किसी ने, तो भाई मैं ये यहीं पे ले आया हूँ और सोचा इसको खुद ही लगाऊंगा अपने हाथों से, यहाँ लगाएंगे। ओए भाई यहाँ से साफ कर दो, यहाँ से पुण्य का काम। हाँ भाई बिल्कुल भाई, अन्नी ने मेरे कपड़ा मारन खाते रख लिया भाई, कितनी पका रहे मेरी। भाई आप ऐसे ही नहीं काम कर सकते भाई, ना पैसे लूं। भाई अपने सरदार से मिलके खुश है, और क्या बात है। गंदा मत करे अभी हाथ बात पर। तो भाई ये मैं ना वहाँ से लेके यहीं पे आ गया, सोचा था खुद ही लगाऊंगा ये, तो यहाँ पे लगा रहे हैं इसको, एक बार लगा के देखते हैं। भाई पहली बार लगा रहा हूँ, कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, बाकी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा भाई लगा हुआ। तुम मेरे को बोलने लग रहे थे कि भाई आगे वो ब्राह्मण लगा हुआ था, भाई आपने वो, मैं ही पहली चीज़ तो है ना, वो जो कोई भी करके जा रहा है प्लीज़
प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबको, मत करना आप कुछ गाड़ी के साथ यार, बहुत मन से लिखवाते हैं। और ये तो भाई लिखा हुआ भी कितना प्यारा लग रहा, देखो नाइस। लॉक कर दी हमने गाड़ी, चलो एक बार यंकी घर पाया हूँ मैं एक बार कुछ काम से, और इसके टेम्पो से भी मिलते हैं। टेम्पो 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 आजा आजा दुपट्टे उल्लू दुपट्टे, भाई बहुत उछला है यार। पकड़ी पकड़ी तो भाई तुम्हारा भाई होया है जिम, बहुत ज़्यादा भाई हालत ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार वापस, मतलब वो कहते हैं ना एक बार अगर पहली बार जिम जाते हो तो दर्द होता है सारे शरीर में, तो भाई सारा शरीर दुख रहा था। अभी फ़िलहाल जिम होके आया हूँ ना तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है, घर जाके पीऊँगा प्रोटीन, अभी पूरा पसीने पसीने सूखा सूखू के अब आया हूँ, अब निकल रहा हूँ यहाँ से। बाबा गेट खोल दो बाबा, ये देखो नशे नशे में कोई नहीं होता है ना, देख नशे में है कि जब हाथ में चाबी ले रहा तो चाबी से लॉक खोलते, जरूरी है यहाँ से खोलना। वाह 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 वाह, चले भाई वही लिया हमें जाके। हाँ अरे बहुत मैं हो रहा है जिम भाई, यही कार्डियो तो चाहिए जिंदगी में। क्या ऐसा जिम तो मैं, ऐसा जिम तो मैं भी हो जाता हूँ। तो भाई मानी ने मंगाई है स्नीकर्स, उसको खाने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा कि अलग अलग टाइप की ले लेते हैं, यहाँ भी थी ना स्नीकर्स। कितना भैया थैंक यू भाई, स्नीकर खानी थी, ये नहीं बताया कौन सी स्नीकर खानी है। और कोई स्नीकर्स भी है वो अच्छा, ये भी रहेगी क्या भाई? ये है कितने की है भाई? 10-12 नहीं है तो भाई ले लिया मानी के लिए सामान। ओके ब्रो, इनडायरेक्ट वे में बोल रही थी कि यार स्नीकर नहीं मिल रही यार, मैं क्या ठीक है ले आता हूँ। अब मुझे ये तो बताया नहीं स्पेसिफिक करके भाई कौन सी वाली लेनी है, तो मैंने सारी ले ली और उसके साथ का सौदा भी ले लिया उसका जो और खाती है ना भाई। फिलहाल उसके वो थोड़ी बीमार सी हो रही है हमारी बच्चा, तो उसको वो पूरी करनी पड़ेगी उसकी ख्वाहिशें जितनी भी खाने पीने की चीज़ें। चलो भाई जिम के बाद ये दिलवा रही है, भूख ऐसी लगेगी देख के, मतलब मैं इतना चाह रहा हूँ कि नहीं खाऊं लेकिन माँ नहीं कर देगी। हाल हो ना थोड़ा सही तो है, दो हमारे नीचे वाले बाड़ा के एक ऊपर वाला बाड़ा, ये देखो है ना, ये लो देख तो इसमें है क्या, नहीं और नहीं और ये देखो मेरे को सूंघ रहे टम्पू की, कैसे तबीयत ढीली हो रखी है तेरी, आपको तो पता ही है। यहाँ सजा के रख दी मैं, इसे दूर रख लो मुझसे। पूरा लाल है भाई, ए, क्लियर तो होता नहीं यार, एक तो सैमसंग के फोन में होता है क्लियर, और क्या क्या बाबा अब से चांद लेंगे फोन, नहीं लेंगे नहीं हम फोन, मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो भाई हम है ना, मतलब ऐसे ही अभी नींद नहीं आ रही थी घर पे, आ गए थे जिम विम से, थोड़ा रेस्ट कर लिया, कुछ खा लिया, नहाया नहीं यार, मैं सोच रहा था नहाने के लिए, बट ज़्यादा पसीने आए नहीं थे, मैंने कहा चल ठीक है सुबह ही नहाऊंगा। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं एक बार है ना, थोड़ा हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी है, मैं बता देता हूँ सर भाई, हमने देखा एक सोसाइटी, मतलब ऐसी है ना रात को चुल मस्ती है ना लोगों को, तो ऐसी हमारी चुल मच रही थी कि हम ऐसे ही बैठ के ना चेक कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ पे क्या ऐसा हॉरर प्लेस है
जहाँ हम जाके कुछ मतलब ऐसी देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जहाँ हमने खुद ने शूट की हुई है वीडियो, वो हॉरर सोसाइटी के नाम से प्रसिद्ध हो रखा है, आशियाना करके एक सोसाइटी है हमारे यहाँ पे, मतलब मानी घर के पास में। तो वो सोसाइटी अबैंडन्ड प्लेस में आती है भाई, गुड़गांव की। यूट्यूब वीडियो बन रखी है, हाँ यूट्यूब वीडियो बना रखे भाई कि भाई ये हॉरर प्लेस है। तो हम जाके ना चेक करना चाह रहे हैं कि भाई वहाँ है क्या, पता नहीं है। 3 बज रहे हाँ, टाइम बता दूं भाई तुम्हें, टाइम दिखाई देता हूँ भाई, इधर देखो टाइम देखो तुम भाई, सुबह के बज रहे हैं 3:30 भाई, हमने जस्ट यही बात की थी कि 3:30 बज रहे हैं और ऐसी जगह पे जा रहे हैं, इतने में कैमरा बंद हो गया अपने। ये एप्पल का ग्लिच था, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एप्पल का ही ग्लिच होगा ये। तो भाई जाके एक बार ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ, अंदर तो ना जाऊं मैं सोसाइटी में, क्योंकि हमने देखी है भाई वो सोसाइटी दिन में पूरी अबैंडनड है भाई, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। और अभी मानी से भी बात कर रहे थे तो वो बता रही है कि वो 9th-10th क्लास में वहाँ खेलती थी, मतलब आज से 8-1 साल हो गए उसको बंद हुए हुए, मतलब जितनी वो अभी बता पा रही है, मैं जब से तो खेलती थी, सॉरी 8 साल के आसपास तब से तो खेलती थी, उससे पहले से बंद है भाई वो। तो 3:30 हम गलत चीज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इसीलिए थार लेके जा रहे हैं, बस लाइट वाइट का। हाँ इसलिए मैं थार लेके जा रहा हूँ, पहले मैं सोचा स्विफ्ट ले जाऊँ, मैंने कहा नहीं यार थार लेके चलेंगे, साला दूर तक लाइट दिखेगी। तो चलो एक बार चल के देखते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ आगे की तरफ, अब लगाता हूँ फोकस ठीक है, और आगे तो मैं सोसाइटी दिखाता हूँ, बाहर से दिखाऊंगा, अंदर नहीं जाऊँगा मैं, ये मत कहना डर रहा हूँ मैं घर गृहस्थी वाला बंदा हो गया हूँ, मैं पहले तो चला रहा था ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम नहीं जाऊँगा। तो भाई आप भी जाके चेक कर सकते हो, आशना सोसाइटी सेक्टर 47, आशियाना सोसाइटी सेक्टर 47, और मतलब उसमें यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे दिखा देगा किसी को सर्च करनी हो तो, हम भी वहीं जाके दिखाते हैं तुम्हें, गेट वेट सब चीज़ दिखाएंगे। देर में देख लाइट देख रहे हो, लाइट का फोकस पूरा है इसलिए लेके जा रहा हूँ, देख रहे हो कितनी लाइट है, ये देखो लाइट बंद, ये अभी एक लाइट जली, ये पूरी लाइट बंद है अपनी, एक लाइट दो लाइट, ये 3-4-5 सारी लाइट मिला दी इसमें। ये रहा ना देखो, अबैंडन साइट द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ गुड़गांव आशियाना सेक्टर 50, सेक्टर 50 की दिखा रहा है ये, उसने डाल रखी है टाइटल में। खैर गाइस आप जब नेट पे देखोगे ना तो उस पे दिखाएगा सेक्टर 50, बट ये सेक्टर 47 में है आशियाना, सेक्टर 50 में भी होगी यार फिर शायद, वो बताता हूं मैं, नहीं एक ही होगी यार, गवर्नमेंट का है ये, क्या पता दूसरी भी हो। नेट पे दिखा रहा है सेक्टर 50 है, सर्च कर रखा है लोगों ने, सर्च कर रखा है आशियाना क्लासिक फ्लो पर्सनल फ्लोरिंग, यहाँ चलते हैं, नहीं तो फिर गूगल मैप पर 50 भी डाल लेंगे, निकलेंगे 50 में क्यों जा रहे हैं। तो लोग गाइस हमने स्टार्ट किया था और हम पहुंच गए हैं, ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में ये जो गेट है, ये आशियाना भाई, आज तो लाइट भी चल रही है यहाँ, कहाँ भूत बात है, वो तो लाइट चलती दिख रही है आज, तो लाइट चल रही है बकायदा बढ़िया। हाँ आज तो मुझे लग नहीं रहा कहीं, पहले तो यहाँ लाइट वाइट भी नहीं थी, गार्ड भी ना था, लाइट एक्टिव भी खड़ी है यहाँ तो, ये तो स्टॉल वाले बंदे हैं, रह नहीं रहे भाई, कौन रह रहा है, मतलब यही रह रहे होंगे ना नीचे वाले फ्लोर पे स्टॉल वाले बंदे, हो सकता है। अभी भी लाइट जल रही है कॉर्नर की, उसकी लाइट की वो आ रही है फ्लेयर, यहाँ से बैठ ले देंगे। ये लाइट क्यों जल रही है यहाँ, ये देख कुत्ते कैसे देख रहे हैं, देख ओ बच गई थी भाई मेरे तो गाड़ी बढ़ जाती हुई, ये पूरी सोसाइटी ऊपर तक की सब बंद है भाई, सब बंद, वीडियो के चक्कर में कुछ भी करेंगे क्या, पूरी लाइट जला देता हूँ मम्मी की भाई, यहाँ दिखी थी मुझे, देखिए ऊपर वाले पे भगवान कसम भाई, जब तक घुसवाना मैं बिल्डिंग के टॉप पे ही देख रहा हूँ। गाइस देख लो ये है वो सोसाइटी पूरी, अब यहाँ लाइट बंद कर दो एक बार, भाई को मजाक चल रहा है क्या, अरे एक बार बंद करो आगे की सारी लाइट है भाई, तेरी कसम लाइट बंद में आ गई तो कोई पूरी लाइट दिख रही है वैसे तो, ये तो इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं इसे पकड़ता हूँ उस तरफ को, बड़ी हाल है भाई तेरी कसम, 3:30 बजे तो गलत आ रहे हैं, 10 बजे तक नहीं आए तो गलत है हम, 10 बजे तक भी मैं झेल लेता कुछ, पर मैं चाह रहा हूँ आ गए हैं तो एक प्रॉपर सीन ही हो जाए, ये वही तो है जो हमने गाड़ी खड़ी करी थी। हाँ ये वही है भाई,
देख लो यहाँ हम सीन लेने गए थे इस तरफ से। हाँ ये पूरा सीन यहीं पे तो वीडियो वाडियो शूट करिए, पूरा अंधेरा साला साइड में दिख ही ना रहा कुछ। ये देखो देख रहे हो पूरे के पूरे शीशे वीशे सब कुछ तोड़ा हुआ है सब, मतलब पूरी सोसाइटी बंद पड़ी है भाई ये पूरी। किसी को भांग चला सुगान नहीं होता यहाँ पे हो सकता है नहीं मतलब कुछ गलत काम करने मत आना, बट हाँ ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा, बट पहले मुझे लगता ले है होगा तो सही आगे, मतलब ये तो मेन गेट वाली चीज हो गई ना, बहुत बड़ी सोसाइटी है बहुत बड़ी। पर ये लैंप पल्ले स्कूल के लैंप वैम्प की लाइट आ रही है ना ये, हाँ इससे लगी बिल्डिंग ही स्कूल है। आगे भी लाइट जल रही है मेरे ख्याल से तो नहीं ना? नहीं नहीं अरे बहन की टांट अपनी रिफ्लेक्शन है भाई, ये देख लो यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी, ये है एरिया खतरनाक सा। चलो टबड़ा ना कुछ तार है तार भाई कसम कैसा है ये रात को तो भाई खतरनाक सा है। ये क्या हो रहा अपने आप तेरी कसम गाड़ी खींच रही है, आवाज चेंज नहीं होगी यहाँ। अरे वो एरिया खुला है ना हवा तेज है ये यार देख लो ये ऐसा लाइटें बंद रहेगी तो कुछ दिख रहा है तो पूरा दिख रहा है तो स्कूल के मतलब कैमरे में भी पूरा पूरा ऊपर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसे अंदर तक जाने का मन करे तो जहाँ तक मतलब अगर किसी को मन है ना भाई ज्यादा एक्सप्लोर करने का तो आप आ सकते हो यहाँ पे आके, गेट खुले मिलेंगे, गेट खुले मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। आशना आशियाना करके एक सोसाइटी है उसके बिल्कुल साइड में डीपीएस है, ये रहा डीपीएस अपना साइड में, जिस किसी को भी आना हो ना तो अपना मतलब चक्कर वक्कर मार देना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइज हमने ना अभी पीछे जय श्री राम भी लिखवा रखा है ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं आज ही लिखवाया हमने जय श्री राम तो भाई इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैं ऐसे ही मतलब निकल लिया, मैंने कहा चल एक बार कुछ लेने भी जा रहे हैं तो एक बार वैसे ही घूम फिर के आ जाएंगे, तो कुछ नहीं है मतलब फील तो नहीं हुआ, पर हाँ थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी मेरे को लग रहा था बट कुछ नहीं, नीचे तार वार थे शायद उसकी वजह से लग रहा था। ले जाओ भैया आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है हमें बुक सपाट। चलो अभी फिलहाल ही बस जा रहा हूँ 24/7 वहाँ से घूम के फिर घर चल देंगे, मतलब कुछ ले लेंगे फिर घर चल देंगे।